भी बज रहे छे जा रहे फाइनली I'm so sick of waiting, getting too restless to be in this dusty town. देवरिया से मुश्किल से एक घंटे बाद पड़ता है आपका गोरखपुर. वहाँ हम लोग रुक करके थोड़ा सा चाय पिया, हमने सनराइज देखा, बहुत ही सुंदर हो रखा था और काफी अच्छी गरम गरम चाय और एकदम गरम गरम बन मक्खन के साथ हमने अपनी दिन की शुरुआत की. और ये जितने भी ब्लैक डीप लाइन है ना, हम लोग ये सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट वाटर एरिया हमारे पहले वो प्रोबेबली जो घर है ना वो सारे घर. सो ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए नेपाल बॉर्डर. नेपाल बॉर्डर पहुंचते ही आपसे आईडी मांगी जाएगी जिसमें आप अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट दे सकते हो. उसके अलावा वो थोड़ी बहुत चेकिंग करेंगे आपके कार की, देखेंगे कितने लोग हैं और ज्यादा सामान होगा तो आपको सिक्योरिटी चेक भी करना पड़ेगा. यहाँ पे होती है स्कैनिंग. अरे क्या हो गया तुम्हारी सर्दियाँ और क्या कौन लेके जाता है? बज रहा है क्या? हाँ. नेपाल में आपका स्वागत है. अब क्या करना है? अरे संसार फेमस कृष्णा, किसी को भी आना हो संसार के लिए नीचे कमेंट करिए, मैं इनका नंबर छोड़ दूंगा. आप इंडिया बॉर्डर से इनको फोन कर दो, ये आपका वेट करेंगे पार्किंग में. तानिया गिव द डॉक्यूमेंट्स, हैव सम टी कॉफी, टिल द टाइम यू आर डन विद द कॉफी आपका भंसार आपके हाथ में इस तरीके से. ऑलराइट. और इसके चार्जेस कितने हैं? नॉमिनल 200 रुपये हो गया. 200 रुपये फिर से चार्ज होंगे. 200 रुपये मतलब तुम्हारी खुशी हो तो 500 रुपये भी दे सकते हो. चल भाई थैंक यू सो मच यार. इंडियन सिम नहीं चलता अभी. हाँ अभी भी नहीं चलेगा. यहाँ पे अब नहीं चलना, बंद हो गया. हाँ तो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो इंडियन सिम नहीं चलेगा. तो अगर आपको इनफैक्ट जरूरी है एक सिम ले लो, 600 रुपये का पड़ेगा. एंड चाहे एक दिन के आ रहे हो, 2 दिन के आ रहे हो, 3 दिन के आ रहे हो, चाहे ज़्यादा दिन के आ रहे हो, सिम लेना है इनकी कमा. तो ये है मेरा सिम 600 रुपये का जिसमें मुझे मिल रहा है 20 GB डेटा और ये वैलिड रहेगा 6 महीने तक. भंसार बनवाने के बाद आपको एक और रोड टैक्स डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको करीब 2-3 किलोमीटर आगे जाना होगा. तो आप वहाँ पे किसी से भी पूछ लेना रोड टैक्स का पेपर कहाँ पे बनता है अंदर नेपाल में जाने के लिए. तो अगर आप नेपाल में दूर कहीं जा रहे हो, लाइक पोखरा जा रहे हो, काठमांडू जा रहे हो, तो रोड टैक्स बनवाना बहुत ज़रूरी है. और स्टैंप इसके ऊपर लगवा लिया बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर द ओनली. ये दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हम चल पड़े अपनी आगे की ट्रिप के लिए. बहुत एक्साइटेड थे और सामने पहाड़ दिखाई दे रहे थे. लाइक ऑलमोस्ट बॉर्डर के बाद सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव है जो प्लेन्स है, उसके अलावा सारा पहाड़ ही पहाड़ है. हमने एक छोटा सा स्टॉपेज भी लिया खाने पीने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं. बस नेपाल में घुसते ही आपको बहुत छोटे छोटे ढाबे मिल सकते हैं, क्यूट क्यूट से एकदम एजेस माउंटेन के एजेस में. और एक ढाबा हमारा भी है. और वहाँ आइए, मन पसंदीदा खाना बनाइए. खुद बनाइए. तो नेपाल में आपको बहुत सारे इंडियंस भी मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करने के लिए, हनीमून बनाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं. तो हमें ऐसे ही यहाँ पे एक नया कपल अपनी फैमिली के साथ आ रखा था वो मिला. इसके आगे हमने अपनी ट्रिप शुरू की. बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पोखरा की रोड्स जो हैं वो अभी मतलब इंडिया से पोखरा की रोड्स थोड़ी सी ख़राब हैं. तो फिर अगर आपको अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो पहाड़ों में, सो मेक श्योर कि यू आर हैविंग अ ड्राइवर अलॉन्ग विद यू. अकेले जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है. रोड्स वैसे बहुत चौड़ी हैं बट ख़राब बहुत है रास्ता, तो इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका ड्राइवर कैसे भी गाड़ी चलाए. समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? Needs to be checked right here when you are about to enter in Nepal. घंटा हो जाएगा. हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे चिकन थाली, तो देसी चिकन है,
और भी आई थिंक सैलड वगैरह दे रखा, सब्जी दे रखी, तो इट्स अ ह्यूज थाली. तो नेपाल में बहुत अच्छा होता है कि आप कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको थाली तो बहुत ही इजीली मिल जाएगी, वेज थाली भी नॉन वेज थाली भी. तो अभी हम लोग बस थोड़ा सा नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए कुछ खा रहे हैं. इस स्पॉट पे हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे, जब लास्ट टाइम हम लोग नेपाल के टूर पे आए थे तो एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे हम लोग रुके थे. हमने अपनी कार वॉश भी कराई थी, हमने यहाँ पे खूब चटरपटर खाया भी था. तो खाना बहुत अच्छा है, मोमोज बहुत टेस्टी है, चिकन मोमोज आज डिलीशियस हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं. इसके अलावा यहाँ पे फिश है, हमने फिश भी खाई है तो खा पी के चट कर दिया. Rage us around like an ocean in my head, because there are so many things that are left unsaid. Wow. फाइनली 12 घंटे की जर्नी थी. ओ माय गॉड, इट सीम्स सो लॉन्ग. पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि 6 घंटा लगता है, बट इट टुक अस 12 आवर्स. सो इट वॉज वेरी लॉन्ग जर्नी. हम बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लेकर के आए हैं, बट फाइनली हम अपने रिजॉर्ट में पहुँच गए हैं. एंड लेट्स गो एंड सी इनसाइड हाउ इट इज. क्या हो गया, थक गए? I'm so tired. ओवर एक्टिंग. तिलक नहीं है, तिलक है. तिलक अलग एक्सेंट होता है ना हम लोग का. This is nice. Oh, lake and pool. Wow. Lake. We have a lake view on one side and a pool view on the other. Cool. Yeah? Yep. I love you, baby. We will park the car in the park. Huh? No, no, no. He's leaving. The car will be parked on our head. तो दिखा देती हूँ अपना रूम. दिस इज द वॉशरूम. यू हैव अ टब ओवर हियर ओवरलुकिंग द रूम, एंड द रूम ओवरलुक्स द बालकनी एरिया जहाँ से हमें दिखता है स्विमिंग पूल एंड ऑल्सो द लेक साइड एरिया. यहाँ पे कबर्ड है, यहाँ पे एक स्टडी टेबल है जिसका सेंस समझ में नहीं आ रहा है मुझे, बट एनी वेज आयरन टेबल है विच वी डोंट नीड एक्चुअली. बिग साइज़ मिरर, ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक लड़की की ज़िंदगी में, बहुत बहुत ज़रूरी होती है. 100 marks फॉर दिस. ये बेड है, यहाँ पे अच्छा सा सोफ़ा एरिया है, नाइस फेट, यू नो काइंड ऑफ, अगर दो तीन दिन के लिए आ रहे हो आप तो लेजर ट्रिप के लिए इट्स अ नाइस वन. आप आराम से बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो. और ये है बालकनी एरिया. हमारी गाड़ी वो नीचे खड़ी हुई है, रचत जा रहा है कहीं, और ये पूरा एकदम सुंदर सा दिख रहा है यहाँ से. इधर पूरा अंधेरा है, दिस ऑल डार्क एरिया है. यहाँ पे पूरी लेक है, फेवा लेक जो यहाँ की सबसे फेमस लेक है, दैट इज देयर. तो बेसिकली हमें यहाँ से सुबह पूरा व्यू दिखाई देगा सनराइज पे, एंड देयर इज दिस पूल जो ठंडों की वजह से ऑफ कोर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, दैट्स द माइनस पॉइंट ठंड में आने का. मतलब गर्मियों में अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली पूल का मज़ा ले सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू के साथ, प्लस द व्यू इज टू डाई फॉर, इट्स अमेजिंग. वी हैव दिस माउंटेन ओवर हियर, सामने माउंटेन भी दिख रहा है, पानी भी दिख रहा है, फिर आप पूल में जा सकते हो अगर गर्मियों में आते हो तो यू नो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स काइंड ऑफ थिंग. तो अभी तो नीचे काफ़ी फायर वर्क्स वगैरह हो रहे हैं, एंड हमें अभी उधर की तरफ जाना है वापस मार्केट साइड पे हम लोग जाएंगे. तो फटाफट में रेडी फटाफट चलते हैं. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना यार, थोड़ा अच्छा लगेगा. अच्छे कमेंट्स कर देना, कुछ भी कर देना इफ़ यू नीड एनी क्वेरी अबाउट नेपाल. नेपाल इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंट्री. पोखरा इज़ अमेजिंग. आई हैव बीन हेयर लाइक नेपाल में फॉर द सेकेंड टाइम. आई एम कमिंग टू नेपाल एंड आई एब्सोल्युटली एम इन ऑ ऑफ दिस प्लेस. आई लव दिस, दैट्स वाई आई एम हेयर अगेन. पोखरा में लास्ट टाइम अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ. स्पेसिफिकली हमने टाइम निकाला कि बस पोखरा आएंगे और चिल करेंगे, और क्रिसमस टाइम है तो आई एम श्योर इट्स गोना यू नो बी ग्रेट. लाइक पीपल यहाँ पे जो भी लोकल हैं सब लोग बता रहे हैं कि क्रिसमस टाइम न्यू ईयर टाइम काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी हैप्पी हैपनिंग रहता है, काफ़ी बिजी रहता है. तो इस टाइम पर कभी भी अगर आप पीक टाइम
टाइम पे, जैसे न्यू ईयर टाइम पे या क्रिसमस टाइम पे अगर आप प्लान करो तो पहले से बुकिंग कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है इस टाइम पे. बट एनीवेज वाइब बहुत अच्छी है अभी, बहुत पूरे रास्ते भर में आपको, आपने जैसे वीडियो में देखा होगा, लाइटिंग्स एंड ऑल कर रखी, एकदम प्रॉपर क्रिसमस न्यू ईयर वाइब कर रखा है. सो ऑफकोर्स आई एम एक्साइटेड, पहली बार क्रिसमस में हम लोग स्पेसिफिकली कहीं निकले, जनरली न्यू ईयर पे निकलते थे बट इस बार क्रिसमस में, तो दैट्स ग्रेट. आई एम हैप्पी टू एक्सप्लोर इट मोर. तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल.